हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग दो अमेजिंग वेबसाइट के बारे में जिन्हें आप कोई भी स्मार्ट गैजेट में, फिर चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या आपके स्मार्टफोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे अपने आज के टॉपिक पे। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ सर्च करना है कलराइज, और देखिए यहाँ पर वेबसाइट ओपन होगी कलराइज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। इसको आपको ओपन करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से इसे ओपन कर लेना। ये देखिए इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से। इसका खासियत यही है कि ये कोई भी पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में बदल देती है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ एक अपलोड करके आपको, यहाँ जस्ट सिंपली अपलोड पर आपको क्लिक करना है। ये मेरा गैलरी खुल गया। यहाँ गैलरी से मैं कोई भी पुराना फ़ोटो जिसका मैंने पिक ले लिया है वो मैं इसमें कलर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कलर करना स्टार्ट कर दी है। ये देखिए ये पिक्चर जो एक तरफ आपको ब्लैक एंड वाइट जो पहले थे और दूसरे तरफ ये कलर कर दिए जो अभी इसने कलर की है। आप सिंपली यहाँ नीचे जाके इस फोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसे डाउनलोड भी करके आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसने इसे कलर किया है। आप में से बहुत कोई कहोगे कि ये तो फ़ोटोशॉप से भी हम कर सकते हैं। नहीं, फ़ोटोशॉप हर किसी को चलाना नहीं आता और ये वो फ्री भी नहीं होती है, और इस एप्लीकेशन को कोई भी यूज़ कर सकता है और ये बिल्कुल फ्री है। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई, मैं इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई। ये पहले बिल्कुल अलग थी देखिए, और ये अभी इसका कुछ लुक इस तरह से हो गया। काफ़ी अच्छी तरीके से इसने इसे कलर कर दिया है, बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा। चलिए एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक और मैं पुरानी फ़ोटो जो मैंने अभी एल्बम से पिक लिया है, ये 1980s की मेरे पिताजी के फ़ोटो है। उस समय कलर कैमरा नहीं होते थे, तो मैं देखता हूँ उस समय अगर इसे कलर में लिया होता तो कैसा लगता। ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। इसे भी हम लोग डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बैकग्राउंड भी हटाने आपको सिखाया था, तो इस फोटो का मैंने बैकग्राउंड हटा के एक नया बैकग्राउंड भी ऐड किया है। मैं वो पिक्चर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये डाउनलोड हो गए। ये देखिए ये फ़ोटो अभी बिल्कुल ऐसा था, ये ऐसे बन गई। और मैंने एक फ़ोटो भी बनाया है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए ये फ़ोटो बनाई है। आप भी इससे कोई भी फ़ोटो को पिक लेके या नेट से भी आप URL भी डाल सकते हैं। देखिए ये फ़ोटो ऐसी थी और मैंने इसको ऐसा बना दिया, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। हमारा दूसरा वेबसाइट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है। चलिए यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एनिमोग्राफ। ये देखिए जो मैं सर्च कर रहा हूँ आपको वही सर्च करना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं से भी इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए नीचे में इसका वेबसाइट है, इसे ही आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट की खासियत है कि आप इसमें कोई भी मशीन कैसे वर्क करती है इसको एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट में आपको बहुत सारे मशीनों को कैसे वर्क करती है इसका एनिमेशन बना के दिखाती है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन देखने में आपको उतना ही ये मज़ा आएगी। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको एक, ये देखिए काफ़ी सारे इंजन है यहाँ पर, जैसे लिखी हुए हाउ टू कार इंजन वर्क। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पे सारा एनिमेशन आपको दिखा रही है कि कार की इंजन कैसे वर्क करती है, और साइड में इसके डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टोटल इंजन के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी और ये देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वेबसाइट हो सकता है। काफ़ी अच्छी एनिमेशन है, हर एंगल से इसमें आपको कोई भी इंजन के पार्ट्स दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे सारे स्ट्रोक वगैरह कैसे वर्क करती है ये सारा एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। ये दोनों वेबसाइट आप ज़रूर से ओपन करके देखना और मुझे
कमेंट करके ज़रूर से बताना ये आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।